हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप मिश्रा ऑटोमेटिक प्रवाह की तरफ से आप सभी का स्वागत तथा अभिनंदन करता हूँ। पेट का एग्जामिनेशन के अब दिन बहुत कम बचे हैं और हम लोग पेट के एग्जामिनेशन की मैथ के पोर्शन की पूरी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने सेट नंबर वन वन किया था, अब सेट नंबर दो की तरफ पढ़ते हैं। हम जानते हैं, देखिए एक बात समझिए, हर व्यक्ति के अंदर दो प्रकार का व्यक्तित्व तो है, एक सामना करने वाला और एक बचने वाला। एक वो व्यक्ति होता है जब उसके पास कोई भी सवाल आता है तो वो क्या करता है, उसको लगता है कि नहीं, इस सवाल का हम सामना करेंगे, उसका आंसर सही ढंग से देंगे। और एक व्यक्ति होगा जो क्वेश्चन को देखेगा, वो ये सोचेगा ये कठिन है, इससे बचें, ये सरल है, ये करें। ये व्यक्तित्व तो ही आपका बताएगा कि हमको आंसर देना है या नहीं देना है। एक बार आपने अगर संघर्ष करने की शक्ति जान ली कि हमको मैथ का इस क्वेश्चन का आंसर देना है, तो फिर आपको कोई भी मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने से रोक नहीं सकता, क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति मजबूत हो जाती है। और यही इच्छा शक्ति आपके माइंड को क्रिएट करती है। किसके लिए? तो हम ये कहेंगे क्रिएट योर माइंड फॉर सक्सेस। अपने माइंड को क्या कीजिए कि क्रिएट कीजिए, किसके लिए? सफलता की तरफ। और जिस दिन आपने ये किया, उस दिन आपको सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। मन नहीं हो रहा है उतनी देर मत पढ़िए, जितनी देर मन हो रहा है उतनी देर पढ़िए, लेकिन जितनी देर पढ़िए वह ईमानदारी से पढ़िए। अगर आपको लगता है कि आप एक घंटे पढ़ना चाहते हो, तो हम तो कह रहे हैं केवल एक घंटे पढ़िए, केवल एक घंटे। और एक घंटे की प्रिपरेशन भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और हम तो आपसे कहेंगे कि एक घंटे वो लोग पढ़ते हैं जिनको बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, वो पढ़ते हैं। केवल 15 मिनट में आप यानी पूरी तरीके से मैथ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। 15 मिनट से ज़्यादा कभी भी एक बार में पढ़ने के लिए मैथ में 15 मिनट से ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर समय दे रहे हैं तो आप अपने समय को दिल कर रहे हैं। चलिए हम देखते हैं कि आप कैसे करेंगे। अब आप सोचिए, पेपर जब देने जाते हैं तो आप मैथ के क्वेश्चन आते हैं तो आप कोशिश करते हो कि मैथ के क्वेश्चन 15 या 20 मिनट या आधे घंटे में लग जाएं। आप मानते हो इस बात को और 25 क्वेश्चन 30 मिनट में लगा लेते हो और आपको लगता है कि आपने प्रिपरेशन पूरी कर दी। मान लीजिए हम आपसे कह रहे हैं कि 15 मिनट लगाइए, तो पहले 30 मिनट लगा लीजिए और 30 मिनट में क्वेश्चन लगाइए, तो अपनी स्पीड तो जानिए कि क्या कर रहे हो। आप टाइम से मात तो नहीं कर रहे हो? अगर टाइम से मात कर रहे हो तो आपको जिन्हें क्या, जो मैथ आपको आती है उसको थोड़ा सा चेंज कीजिए, मेरे दृष्टिकोण से देखने की कोशिश कीजिए, तो मैथ के क्वेश्चन क्या होंगे, बहुत आसान होंगे। देखिए ये बात अगर आपकी समझ में आ जाएगी तो हम कहेंगे अभी शुरुआत में जो लोग बेहतर हैं वो 15 मिनट केवल मैथ को 15 मिनट दें, लेकिन 4 बार दें, सुबह, दोपहर, शाम और रात को, ये 4 बार दें। और जो लोग कमजोर हैं उनसे कहेंगे आधे आधे घंटे, आधे घंटे 30 मिनट का समय दें और 30 मिनट जितने क्वेश्चन लग सकते उसको चाहें। आप 2 बार कीजिए, कमजोर है तो 2 बार कीजिए, और जो लोग बाद जो लग रहा है कि प्रैक्टिस बेहतर है उनसे कहेंगे 4 बार प्रैक्टिस कीजिए। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में, सेट नंबर दो के हम क्वेश्चन नंबर वन पे आते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं इसके बाद। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 16 × 12 का मल्टीपल है, माइनस साइन है, 672 को 21 से भाग देना है, बराबर है और एक्स माइनस 211 है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, तो एक तरीका तो देखिए बहुत मैनुअल तरीका है कि 16 को 12 से गुणा कर दें। 16 को जैसे 12 करेंगे, आपको ये पढ़ा आता है, इससे गुणा कर दीजिए, तो 16 × 32 के 2 होते हैं, 16 × 32 के 2 3 हासिल, 16 × 16 3 क्या होगा 19, 192 हो जाएगा, और इसको 21 से भाग देंगे तो 21 तय क्या होगा 63 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 बच जाएगा, 21 उन्हें क्या होगा 42 हो जाएगा, बराबर x माइनस क्या होगा 211 होगा। इसको इससे घटा दें तो 32 को जैसे इससे घटाएंगे, तो जैसे घटाएंगे तो क्या बचेगा 160 बचेगा, और ये माइनस की साइड इधर आ जाएगी तो 211 इससे जुड़ जाएगा, तो आंसर क्या होगा 60 में 11 जोड़ेंगे 71 आ जाएगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। ये ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है, सी ऑप्शन मिल रहा है 371 हमारे ये क्या हो गया आंसर हो गया। अगर हम आपसे कहें इस क्वेश्चन में कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो देखिए सीखने के लिए कितनी बड़ी बात मिलती है आपको। मैनुअल तरीके से ने कहा कि अगर एक नंबर छोटा है तो इसको मैनुअल तरीके से गुणा कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको समझने की बात करें तो ये बहुत अच्छे तरीके से शॉर्ट तरीके से हम सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं कि अगर हम 16 और 12 के बीच में देखें, तो 16 और 12 के बीच में एवरेज की बात करें, 16 और 12 का अगर एवरेज बोले तो आप बताओगे 14 आएगा, तो हम कहेंगे ठीक है भाई 16 और 12 के बीच में एवरेज 14 आएगा, इसका मल्टीपल बताने के लिए नोट करके अलग से क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो कैलकुलेशन आया है, इस कैलकुलेशन को आगे से इसमें बढ़ा सके बढ़ सके उसकी बात कर रहे हैं। ये मैनुअल तरीके से गुणा जब भी करोगे तो समझिए आप दिक्कत में आ रहे हो। हम फिर से कह रहे हैं मैथ जो नहीं स्मार्ट तरीके से पढ़ने की बात है, इसको समझने की बात करें। इन दोनों का 16 12 का की बात करें तो 16 12 का अगर हम पूछें तो बताइए इसका एवरेज क्या होता, बताओगे 14 आएगा। कैसे आ 16 में 12 जोड़ दो, उसका आधा कर दो, 16 में 12 जैसे जोड़ा तो 28 होगा, 28 का 14 हो गया। तो अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, 14 का स्क्वायर कीजिए, 14 का स्क्वायर सबको मालूम था 196 था, और इनमें गैपिंग क्या है 14 12 दो नंबर की गैपिंग, 2 का स्क्वायर 4, तो ये क्या होगा 4 की जैसे गैपिंग करेंगे 192 आता है, क्योंकि स्क्वायर आपको लगता होता है इससे उसको 4 माइनस करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती, इससे इसको सीधे हम आंसर लिख सकते हैं।
क्या हुआ, 14 अगस्त का 196 हुआ, 196 से 4 जैसे माइनस करेंगे 192 हो जाएगा। समझ में आ रही है? अगर ये बहुत नोट में आ रही है तो एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं करने के लिए, अगर आप तुरंत बता सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज है। देखिए यहां भी क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन दे रहे हैं, ये 26 लिख दें और ये 22 करें और इसको गुणा करें तो बताइए इनका मल्टीपल कैसे आएगा, बिना पेन चलाएगा बता सकते हैं तो बताएं। तो हम क्या करेंगे, इनके बीच में कौन संख्या आएगी, 24 आएगी, इन दोनों के बीच में 24 आएगी, 24 का स्क्वायर करें तो 24 का स्क्वायर सबको मालूम होता है कितना होता है, यस 576 होता है, 576 से बताइए कितना कम करेंगे, इनके बीच में कितने गैप, दो की गैपिंग, दो का स्क्वायर चार गैपिंग कर दे तो क्या होगा, 572 हो जाएगा। क्या अब बताइए कैलकुलेशन करने की जरूरत है, और ये बड़े बड़े नंबर पे लगाओ, छोटे नंबर पे मत लगाओ, इससे क्या होगा आपके स्क्वायर करने का जो जो हमने तरीके दिए हैं उनको, स्क्वायर का जो वीडियो बनाया है उसको देखिए कि कैसे हमने स्क्वायर के तरीके दिए, कितने सिंपल तरीके से आप स्क्वायर निकाल सकते हैं और उसके रूप में मल्टीप्लाई में उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, इसलिए इनको देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा, इसके कारण ये जो क्वेश्चन है उसे सीखने को मिला, उसकी बात कीजिए। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड की तरफ बढ़े, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सेट नंबर 2 की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है उसकी बात करें। यहाँ कह रहे हैं ये नंबर है, इसमें 7 तथा 3 के स्थानीय मान की बात करो। स्थानीय मान का मतलब होता है कि जिस जगह पे ये नंबर आया है उसके हिसाब से इसकी वैल्यू क्या हो गई, बदल गई। 7 की जो परमानेंट वैल्यू है तो वो क्या होती है, 7 ही होती है, वो कहीं पर भी हो, लेकिन जब स्थान पे जाता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, बदल जाती है। बदल क्या जाती है, ये किस पोजीशन में आया, ये इस पोजीशन में आया, और इस पोजीशन को 1000 प्लेस कहते हैं, तो ये क्या हो गया इस पोजीशन में, इसका मतलब है इसके पहले इधर कितने नंबर है, 3 नंबर है, तो इसके आगे 0 बढ़ा दें तो ये इसकी 7 की क्या हो गई, प्लेस वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या हो गई, 3 0 बढ़ा दिया तो क्या बने 7000 हो गया। अब 3 के स्थानीय मान की वैल्यू बोली है तो 3 के पहले इधर नंबर कितना आया, 1 आया, तो 1 0 बढ़ा दें तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, स्थानीय मान क्या होगा, 30 हो गया। इन दोनों का अंतर चाहिए, तो ये अगर हम इसकी बात करें, ये इसकी पूरे की बात करें तो ये इसको एक कैरी दे देगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 69 बचेगा, ये 100 हो गया, 100 में से 30 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 70 बचेगा, तो इन दोनों का अंतर पूछा है तो क्या होगा, 6970 हो जाएगा, और इसको देखें तो कौन सा आंसर सही होगा, 670। क्लियर, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन का बहुत बड़ा बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन हमको अर्थमेटिक में देखने को मिलता है। यहां पे ये फंक्शन क्या है कि अगर हम अर्थमेटिक कहता है कि इसको तीनों को गुणा करें तो ये क्या होगा, 3 एक संख्या को 3 बार गुणा करें मतलब क्यूब हो गया, और इस संख्या को किसी भी 317 का क्यूब निकालें, फिर हम 283 का क्यूब निकालें, उनको जोड़ें तो टाइम लगेगा, इस जगह हम अल्जेब्रा का उपयोग करते हैं। हम जानते हैं आर्ट साइड वाले स्टूडेंटों को थोड़ी सी दिक्कत होती है अल्जेब्रा के फॉर्मूले को याद करने में, लेकिन उनको ये काम करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, थोड़ी सी मदद लीजिए और जा देखते हैं, क्योंकि ये एक संख्या 3 बार लिखी है और ये संख्या वही संख्या ये भी 3 बार लिखी है, उनके बीच में प्लस का साइन है। नीचे क्या है, ये संख्या 2 बार लिखी है, ये संख्या 2 बार लिखी है, फिर माइनस के साथ इस पहले और दूसरी संख्या का मल्टीपल है, तो यहाँ पे हम इसको ए मान लेते हैं, फॉर्मूला बनता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और यहाँ पे हम नीचे लिख देते हैं ये ए स्क्वायर हो गया और ये क्या होगा माइनस, अगर प्लस है तो माइनस ए भी लिखा प्लस बी स्क्वायर। अगर कोई ऐसी फॉर्म में कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब दे रखा है, ये क्यूब था तो यहाँ स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया, फिर ये इन दोनों के मल्टीपल का माइनस के साइन के साथ आ गया, तो ये पूरा पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा है, ये क्वेश्चन कुछ है नहीं, केवल एडिशन है। एडिशन किसका है, जिस वैल्यू को आपने ए माना है और बी माना है, केवल उन नंबर को जोड़े, ये नंबर को ए माना है, इसको बी माना है, तो केवल इन नंबर के जोड़ की बात कर रहा है। ये जो आंसर आएगा वो इन दोनों के नंबर के जोड़ के आएगा, मतलब इस नंबर को जोड़ दें तो आंसर मिल जाएगा। तो अब बताइए एक की जगह हमने 917 था और बी की जगह क्या था, 283 था, इस नंबर को जोड़ दें तो आंसर आ जाएगा। देखिए 17 और 83 को जोड़ें तो आपको दिख रहा है 100 आ जाएगा, 100 में 00 होता है, एक कैरी हो गया, ये 10 हो गया, 10 हो तो क्या होगा 12, तो आंसर क्या होगा 1200 आ गया। तो इस पे देखिए कोई 1200 आंसर है, हाँ ये पहला वाला ए ऑप्शन 1200 है, तो ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरीके से, साइंस साइड वालों को बताने की जरूरत नहीं थी, साइंस साइड वाले ये बहुत अच्छी तरीके से फॉर्मूला जाते हैं, लेकिन यूटिलाइजेशन के रूप में देखिए तो आपको बेहतर है। अगली बार जब ये क्वेश्चन कभी कॉन्सेप्ट आए, केवल आपको प्लस है तो यहाँ पे क्या कीजिएगा जोड़ दीजिएगा, माइनस है तो क्या करिएगा घटा दीजिएगा, सेम क्वेश्चन ये डिजाइन करना उसका काम है, लेकिन इस फॉर्मूले को बार बार लिखते जाइए। क्या फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, ए प्लस बी के रूप में होती है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। हमने आपसे फिजिकल ये सेट नंबर 2 हमारा चल रहा है, लेकिन अगर आपने सेट नंबर 2 की प्रैक्टिस कर रहे हैं और सेट नंबर 1 अभी नहीं देखा है तो हम आपसे कहेंगे कि हमारे चैनल में आइए, अर्थमेट का चैनल है, उस पर प्लेलिस्ट में आइए, प्लेलिस्ट में जैसे आएंगे तो चैप्टर नंबर 1
प्रैक्टिस सेट नंबर वन आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। पहले सेट नंबर वन लगाइए और सेट नंबर वन के बाद आप सेट नंबर टू कीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर फोर आ गया। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, सीखने के लिए तैयार होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, सीखने की दृष्टि से सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। दिक्कत क्या होती है हम लोगों को, सबसे बड़ी दिक्कत होती है जो अभाज्य संख्या होती है। डिविजिबिलिटी का रूल आपको दो के लिए बताया जाता है, तीन के लिए बताया जाता है, पांच के लिए बताया जाता है, सात के लिए बताया जाता है, ग्यारह के लिए बताया जाता है, लेकिन तेरह से ऊपर की जो अभाज्य संख्या है उनके डिविजिबिलिटी का रूल हमको नहीं सिखाया जाता। अगर वो सिखा दिया जाए तो हमारे लिए क्या होगा, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा सिंपल हो जाएंगे, क्योंकि जब हम इसको फैक्टर करने के बेस पे जाते हैं तो इसके फैक्टर हमको दिखते नहीं है और यही हमारी माइनस पॉइंट हो जाती है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम बताने जा रहे हैं। पहली चीज देखिए, इनमें यहाँ पे 23 इसकी हम सहायता की बात करें तो ये नंबर जो नीचे वाला नंबर या तो 29 से डिवाइड होगा या 23 से डिवाइड होगा। अगर हम 29 की बात करें 23 की, तो हम एक बात चेक करते हैं, सबसे पहले 29 की डिविजिबिलिटी की बात करेंगे। अगर 29 से डिवाइड है तो हमको ये पता चल जाएगा 29 वाला सही है 23। तो 29 वाले की डिविजिबिलिटी का रूल हम देखिए क्या बता रहे हैं, 29 की डिविजिबिलिटी का रूल बता रहे हैं कि जो नंबर आपके पास अवेलेबल है, जो भी नंबर अवेलेबल है, सबसे पहले उसके इकाई के अंक को सर्कल बना दीजिए। और 29 का डिविजिबिलिटी का रूल है कि इकाई के नंबर का जस्ट कितना करेंगे, तीन गुना करेंगे। तीन गुना किया तो हमने तीन गुना किया तो इकाई के नंबर का तीन गुना किया और रेस्ट नंबर भी इनको जोड़ दें। रेस्ट नंबर क्या बचा, 136, 33 का क्या हुआ 9 हुआ, 9 को अगर जोड़ दें तो ये जो नंबर जोड़ पे आएगा 9 6 15 के 5 एक हासिल, ये हो गया 145 हो गया। ये 145 जो है वो 29 के पहाड़े में आना चाहिए। अगर आता है, अगर आपको 29 का पहाड़ा आता है तो आप बोल दीजिए कि हाँ ठीक है हमको सर आ गया 29 पंच 145 होता आता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को 29 का पहाड़ा नहीं मालूम होगा तो उनके लिए एक स्टेप आगे कर रहे हैं, फिर बताइए इस नंबर का कितने गुना करें, तीन गुना करें तो पांच से क्या होगा 15 हो गया, रेस्ट नंबर क्या बचा 14, अगर 14 में 15 को जोड़ दें तो ये देखिए ये क्या आ गया 29 आ गया। अब तो 29 का पहाड़ा 29 में आ रहा है तो इसका मतलब है ये नंबर क्या हो 29 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आ रही है, 29 की डिविजिबिलिटी का रूल हो गया तो ये इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा गलत होगा, तो ये ऑप्शन को हम कट कर दें। तो 29 की डिविजिबिलिटी का मतलब है इकाई के नंबर का को क्या करें जस्ट तीन गुना करें और रेस्ट नंबर से जोड़ दें तो हमारा आंसर आ जाता है, और जो आंसर आएगा वो 29 के पहाड़े में आना चाहिए। ठीक है, पास समझ में आए। अब यहाँ पे दूसरा नंबर है या तो 13 की डिविजिबिलिटी या 13 की डिविजिबिलिटी या क्या होगा हमारा वैसे नंबर देखते हैं। अब ये ऑप्शन नहीं, यहाँ पे मान लीजिए दो ऑप्शन आपको देखे हैं, इस जगह हम ऑप्शन को एक ऑप्शन चेक चेंज कर दे रहे हैं, 15/29 देखते रहे। तो अब यहाँ पे डिविजिबिलिटी चेक करें तो इस नंबर में देखिए 23 13 और 15 की डिविजिबिलिटी देखिए, तो ऊपर वाला नंबर तीन यहाँ पहले इसकी देखिए डिविजिबिलिटी, तो हम यहाँ पे प्राइम नंबर या तो 13 की 23 की देखें या 29 की देखें, तो 13 की डिविजिबिलिटी हम आपको बताने जा रहे हैं। 13 की डिविजिबिलिटी क्या बताता है, ये नंबर क्या है 611 है, इस नंबर की बात करें तो ध्यान रखना 13 की डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि इकाई के नंबर का क्या करेंगे चार गुना करेंगे। इकाई के नंबर का चार गुना करने पर रेस्ट नंबर से जोड़ने पर जो नंबर आए वो 13 के पहाड़े में आता है, वो नंबर 13 से क्या होगा डिविजिबल होगा। देखिए 4 × 1 = 4, 61 में 4 जोड़ा कितना हो गया 65 आ रहा है, और 65 किसके पहाड़े में आता है 13 के पहाड़े में आता है, तो इसका मतलब ये जो ऊपर वाला नंबर वो 13 के पहाड़े में आएगा और नीचे वाला क्या होगा 29 के पहाड़े में आएगा, तो हम ये आंसर लगा देंगे क्योंकि यहां पर आपको 13 की डिविजिबिलिटी फॉलो कर रहा है और नीचे वाला नंबर क्या था 29 की डिविजिबिलिटी फॉलो कर रहा है, तो ये आंसर क्या होगा हमारा सही होगा, इट इज योर आंसर। समझ आ रहा है, पूरा कैलकुलेशन पूरी मैथ करने की जरूरत नहीं, डिविजिबिलिटी का रूल को फॉलो करो, यू विल गेट द आंसर। आपको अच्छा लगा कि आपने क्या पढ़ा, 13 की डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ा। 13 की डिविजिबिलिटी का रूल हमने क्या बताया कि इकाई के नंबर का क्या करेंगे चार गुना, इकाई के नंबर का चार गुना करें और रेस्ट नंबर से जोड़ने पर जो नंबर आ रही वो 13 के पहाड़े में आना चाहिए, ये तो 13 की डिविजिबिलिटी हो गई। अब बताइए 29 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, इकाई के नंबर का कितना गुना करें तीन गुना करें और रेस्ट नंबर पर जोड़ने पर जो नंबर आए वो नंबर किसके रूप में वो जो नंबर आएगा वो क्या हुआ 29 के पहाड़े में आना चाहिए। अब ने देखा 145 आ रहा था, 29 पंचे 145, तो ये ऊपर वाला नंबर 13 की डिविजिबिलिटी फॉलो करेगा और नीचे वाला 29 की, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा आंसर क्या हुआ बी ऑप्शन में ऐसा मिल रहा है, तो हम आंसर क्या 13/ क्या करेंगे 29 करेंगे। उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आ गई, अच्छी नॉलेज आपको मिली है, तो इसका उपयोग कीजिए और बाकी क्वेश्चन को एंजॉय कीजिए। देखते हैं आगे का उपयोग हम ऑब्जेक्टिव के रूप में कैसे करते हैं, ऑप्शन के रूप में कैसा उपयोग करेंगे। ध्यान रखना ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम ज्यादातर क्वेश्चन ऑप्शन की मदद से इसी की सहायता से कर सकते हैं अगर डिविजिबिलिटी को ढंग से मालूम। क्वेश्चन नंबर फोर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर फाइव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम देखें तो ये एलसीएम और एसके के रूप में आ गया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, जब समझिएगा। इसमें कह रहा है पत्थरों के ढेर को क्रमशः 32, 40 तथा 72 के ढेर बनाने हैं, किसके 32, 40 तथा 72 के ढेर बनाने हैं।
ढेर बनाने पर 10, 18 तथा 50 पत्थर शेष बचते हैं। कितने पत्थर शेष बचे? रिमाइंडर के रूप में जो पत्थर बच रहा है, इसका जो रिमाइंडर बच रहा है, इस पे 10 पत्थर बचते हैं। इस पे देखें तो इस पे पत्थर कितना बच रहा है? पत्थर बच रहा है 18 पत्थर बचते हैं, और यहां देखें तो 50 पत्थर रिमाइंडर बचते हैं। पहली चीज हम आपसे कहना चाहेंगे, जब भी इस प्रकार के एलसीएम का क्वेश्चन आता है तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए? सेम आना चाहिए। लेकिन आपको तो दिख रहा है रिमाइंडर सेम नहीं आ रहा है, आप क्या करें? तो हम आपसे कह रहे हैं रिमाइंडर सेम आना चाहिए, लेकिन अगर रिमाइंडर सेम नहीं आ रहा है तो जैसा और चेक करें, क्या रिमाइंडर अगर सेम नहीं आ रहा है तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है क्या वो सेम आ रहा है? अगर सेम आ रहा है तो देखिए पहले तो रिमाइंडर सेम होना चाहिए। तो हमको क्या करना है इस प्रकार के क्वेश्चन में, सबसे पहले इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे। अगर रिमाइंडर सेम होगा तो रिमाइंडर को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो हमारा क्या होगा? आंसर आ जाएगा। लेकिन रिमाइंडर तो सेम है नहीं, तो फिर क्या करें? इन दोनों संख्याओं और रिमाइंडर के बीच का अंतर निकालें। तो जो अंतर आएगा वो सेम आना चाहिए। क्या वो अंतर सेम आ रहा है? तो 32 में अगर हम 10 का अंतर निकालें तो कितना आएगा? अब बताओगे 22 आएगा। 40 और 18 का अंतर निकालें तो 22 आएगा। 72 और 50 का अंतर निकालें 22 आएगा। तो ये देखिए रिमाइंडर सेम, रिमाइंडर तो सेम नहीं, लेकिन इन संख्याओं और रिमाइंडर के बीच का जो अंतर है वो तो सेम है। अगर ये सेम है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, और जो नंबर आएगा, चूंकि रिक्वायर्ड नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे? उस नंबर से 22 को अगर घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम 32 और 40 का रिमाइंडर करें, तो ये नंबर देखते हैं किसके पहाड़ी में आते हैं। तो हम सबको मालूम है ये नंबर, ये सभी नंबर 8 के पहाड़ी में आते हैं। जिस बड़े से बड़े पहाड़ी में आते हैं वो हाईएस्ट कौन फैक्टर होता है? से हमने हाईएस्ट कौन फैक्टर की बात की। 8 के पहाड़ी में कितने बार आएगा? 4 बार। 8 के पहाड़ी में 5 बार। और 8 के पहाड़ी में कितने बार आएगा? 8 नंबर क्या होगा? 72। ये 72 आठ चौक क्या होगा? 32, 8 पंच 40, 8 9 72। अब एक चीज देखिए, किसी भी हालत में 4 और 5 या 4 और 5 या 4, इनमें कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो एलसीएम का मतलब हो गया कि इन सभी नंबर को गुणा करें। तो गुणा करेंगे तो 8 9 क्या होगा? 72 हो जाएगा, और 4 5 क्या होगा? 20 हो जाएगा। तो इनको देखिए 2 से गुणा 2 3 4 और 2 7 14, और 1 0 बढ़ा दें तो एलसीएम क्या होगा? 1440 हो गया। लेकिन यहां पे कह रहा है कि हमने बोला एलसीएम निकालोगे, अगर रिमाइंडर इक्वल बचता तो हम रिमाइंडर को क्या करते? इस पे जोड़ देते। लेकिन रिमाइंडर इक्वल नहीं बच रहा है, तो संख्या और रिमाइंडर के बीच का अंतर निकालिए, और वो अगर सेम आ रहा है तो उस नंबर को इस एलसीएम से घटा दें, तो हम जो रिक्वायर्ड नंबर है वो हमको पता चलेगा। रिक्वायर्ड नंबर निकालना है तो 1440 से कितना घटा देना है? केवल 22 घटाना, तो 22 इसी पे असर जाएगा और किसी पे नहीं जाएगा। तो आंसर होगा 14 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा, तो 1418 ये रिक्वायर्ड नंबर हो गया। समझाया गया? तो ये जो हमारा ये बन गया, तो इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर थे? तो इस ढेर में कितने पत्थर थे? 1418 हो गया। बात समझ में आ रही है? अगर बात समझ में आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एलसीएमएसएफ का, बहुत यूनिक क्वेश्चन था, इसे ध्यान रखिएगा। पहली चीज हम कह रहे हैं रिमाइंडर सेम आना चाहिए, अगर रिमाइंडर सेम नहीं आ रहा है तो उस केसेस में हम क्या करते हैं कि संख्या और रिमाइंडर के बीच का अंतर निकालते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर बात समझ में आ गई तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 का वो छोटे छोटा गुणज क्या होगा? 7 का वो छोटे छोटा गुणज, गुणज का मतलब होता है मल्टीपल क्या होगा, जिसे 2 3 4 5 तथा 6 से विभक्त करने पर रिमाइंडर क्या बचे? शेष 5 बचे। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे ये नहीं कह रहा है कि आप मैथ के ज्ञाता बनी, ये कह रहा है कि आपको मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आप सभी को मालूम है इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत आती है, लेकिन हम आपसे कहेंगे इस क्वेश्चन में जब तक मैथ के दृष्टि से देखेंगे तब तक आपको क्या करेंगे? टिपका लगेगा। जैसे मैथ की दृष्टि से बाहर निकलेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। इसकी पहले माइनस पॉइंट देखते हैं, ये हमको क्या हिंट देना जा रहा है, ये क्या समझाना चाह रहा है, और क्या चाहता है एग्जामिनर कि हम कैसे इसको सॉल्व करें। तो इसके लिए हम देखते हैं, सबसे पहले कह रहा है 7 का छोटे से छोटा मल्टीपल क्या होगा। अगर मल्टीपल की बात कर रहा है तो यहां पर ये नंबर जो भी नंबर होगा वो 7 से डिविजिबल होगा। 7 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। अगर 7 से डिविजिबल होगा तो हम क्या करें, या तो 7 के पहाड़ी के रूप में देख लें, या हम क्या करें कि 7 के या तो 7 से डिविजिबल करके देख लें, 7 को इसको डिवाइड करके देखें, तो 7 एक कम क्या होगा? 7 एक कम 7 आ जाएगा, बचेगा 4, और 7 7 क्या होगा? 49। तो 17 7 क्या होता है? 119 दिख गया, तो 7 का मल्टीपल है, तो इसलिए हमारा यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि और कोई नंबर 7 की डिविजिबिलिटी को फॉलो नहीं कर रहा होगा, वो जानबूझ के ऐसा ऑप्शन देगा। यहाँ पे देखें तो ये 120 दे रखा है, 7 एक कम 7, तो 5 बचेगा, और 50 कभी भी 7 के पहाड़े में नहीं आता। इसको देखें 7 से भाग दे, 7 एक कम 7, तो बचेगा रिमाइंडर 5, और 51 कभी भी 7 के पहाड़े में नहीं आता। और इसकी बात करें तो 7 एक कम 7 5 बचेगा, तो ये भी 7 के पहाड़े में नहीं आता। चूंकि ये क्वेश्चन आपने हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं दी, तो यह आंसर हमारा क्या होगा? 119 हो गया। ये क्वेश्चन ज्यादातर केसेस में नहीं, हम हमेशा कहेंगे ऑप्शन की मदद से कीजिए। लेकिन यहीं पर एक चीज नोट पे, हम इसके लर्निंग कैपेसिटी की बात करते हैं,
सात के डिविजिबिलिटी की बात करते हैं कि कोई नंबर सेवन से डिविजिबल होगा या नहीं, उसकी बात करें तो ध्यान रखना कि कोई भी नंबर यहां पे नोट करके लिख रहे हैं, इसका सवाल से कोई लेना देना नहीं है। ये नोट्स नंबर, नोट नंबर दो आएगा। तो देखिए आज हमने दो नोट्स बनाए, एक तो मल्टीपल के रूल में बताया और दूसरा चीज क्या है इसके रूप में बताया, सेवन की डिविजिबिलिटी, मतलब डिविजिबिलिटी किसी भी प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो देखिए इसकी डिविजिबिलिटी की बात करें तो इसका नंबर क्या होता है, अगर कोई भी नंबर, कोई भी इकाई का नंबर एक से लेकर नौ तक की कोई भी संख्या अपने आप को छह बार रिपीट कर दे तो नंबर क्या होगा, वो नंबर सेवन से डिविजिबल होगा। मान लीजिए ये सिक्स है और इसको हमने तीन बार ये और तीन बार ये लिख दिया तो ये नंबर कितने बार रिपीट हुआ, छह बार रिपीट हो गया, तो ये नंबर सेवन से हर हालत में क्या होगा, डिविजिबल होगा। सर जी अगर छह की जगह पांच लिख दे, अरे भाई कोई बात नहीं पांच लिख दो, कितने बार लिखना है, इसको क्या लिखोगे, छह बार लिखोगे, छह के पेयर के रूप में अब कई भी पेयर बन सकते हैं, छह छह के जितने भी पेयर हो तो नंबर सेवन से क्या होगा, डिविजिबल होगा। समझ आ रहा है? अब यहां पे हमने बोला कि एक से लेकर नौ तक के बीच के, अब कह रहे हैं दस से लेकर 99 तक की कोई भी संख्या के बीच की कोई भी संख्या, अगर कोई भी संख्या अपने आप को दो बार तीन बार रिपीट करेगी तो नंबर क्या होगा, सेवन से डिविजिबल होगा। मान लीजिए 23 है, 23 को हम कितने बार रिपीट कर दें, 23 को हमने क्या किया, एक दो तीन, तीन बार रिपीट कर दिया, तो ध्यान रखिएगा कि ऐसी स्थिति में ये नंबर भी क्या होगा, सात से डिविजिबल होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं, यहाँ पे 87 लिख दिया, 87 नंबर क्या है, इस 87 को हमने तीन बार रिपीट कर दिया, 87 को तीन बार रिपीट कर दिया तो ये भी नंबर सेवन से क्या होगा, डिविजिबल होगा। दूसरी तीसरे रूल में कहते हैं अब 100 से लेकर 999 के बीच की कोई भी संख्या अपने आप को दो बार रिपीट करेगी तो क्या होगा, वो भी नंबर 7 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। जैसे मान लीजिए यहां पे आपने माना 132 को हमने क्या किया, दो बार रिपीट किया, जैसे ही दो बार रिपीट करेंगे तो ये नंबर 7 से डिविजिबिलिटी के रूल को फॉलो करेगा। और यहां पे एक नंबर और देख लेते हैं, 247 को अगर हम तीन बार रिपीट कर दें तो ये भी नंबर क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। तो 7 के डिविजिबिलिटी का एक रूल तो ये समझ लिया, समझ में आ रही बात। तो यहां पे ध्यान रखना कि ये 7 के डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, 6 के पैटर्न, मतलब 6 का एक पूरा बैच चलता है, इस रिपीटेशन की बात करता है, से ध्यान रखना किस रूप में 7 की डिविजिबिलिटी हमको समझ में आती है। फिर से बताइए क्या बताया, इकाई का नंबर कितने बार रिपीट हो, 6 बार, दाही का नंबर मतलब 10 लेकर 99 तक के नंबर कितने बार रिपीट हो, 3 बार, और सैकड़े वाला नंबर 100 से लेकर 999 वाला नंबर कितने बार रिपीट हो, ये भी अगर दो बार रिपीट होता है तो नंबर 7 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो ये डिविजिबिलिटी का रूल आपने समझ लिया 7 के। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले हम आपसे फिर से कह रहे हैं कि अभी तक आप अगर साथ मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपने पेन और कॉपी लेके नहीं बैठे हैं तो शायद आप यूनि ठीक नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि ऐसे आपको आ जाएगा तो हम आपसे कहेंगे आप इस भुलावे में मत रहिए कि आपको कुछ आएगा। अगर आप पेन और कॉपी लेके करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्व करेंगे और तब उसको आंसर को देखेंगे, अगर आपका आंसर मैच कर जाता है तो उसका जश्न मनाइए, गलत हो जाता है तो देख लीजिए और सीख जाएंगे। तो हम आपसे बार बार कहेंगे पेन और कॉपी लेके बैठिए, मेरे साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और उसको देखिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है 3/4 5/36 प्लस 7/144 प्लस एंड सो ऑन 71/5184 प्लस 19/8100। ये नंबर देखा, इसको सरल करो। अब आप क्या करोगे, हम आपसे फिर से कह रहे हैं, ये क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि आप सॉल्व करने जाओ, इसको जस्ट समझो ये क्या कहना चाह रहा है। अगर इस बात को समझ लोगे, ध्यान रखना कोई भी बड़ा नंबर जितना कठिन क्वेश्चन उतना सिंपल सॉल्यूशन, इस बात को ध्यान रखना, जितना कठिन क्वेश्चन उतना सिंपल सॉल्यूशन होता है, इस बात को दिमाग बढ़ा लीजिए। इससे इस क्वेश्चन को आपको चाहे जितना भी कठिन लग रहा हो लेकिन एक बात समझिए, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, बहुत सिंपल होगा, आंसर भी क्या होगा, बहुत सिंपल तरीके से आ जाता है। तो देखते हैं कैसे आता है, सर यूटिलाइजेशन की बात करते हैं। जैसे 3/4 है तो ये ध्यान रखिएगा, अगर हम इस नंबर को एक 1/1 लिख दें और माइनस इसको 1/4 से घटा दें तो आप हमसे ये बताओगे 1/8 है, इसको एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 एकम 4 लिखेंगे, 1 एकम 1 लेंगे, 4 और 1 का अंतर लिखेंगे तो क्या होगा, 3/4 हो जाता है। इसका मतलब है इस नंबर का मतलब 3/4 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब ये एक विशेष पैटर्न पे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, तो अगला जो स्टेप आएगा प्लस के साइन के साथ लिखेंगे तो यहां पे जो होगा वो 1/4 होगा, ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, तो अगला क्या है, ये 1 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, तो अगला स्टेप क्या होगा, 1 और 3 2 और 3 के स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 आता है। और ये बात अगर देखें तो आप देखिए 94 क्या होगा, 36 होगा, 9 एकम 9 और 4 एकम 4 करें, 9 4 का अंतर क्या होगा, 5 होगा, तो इसकी वैल्यू 5/36 होगी। ये नंबर क्या करेगा, ये पूरा नंबर इससे कट जाएगा और ये अगला स्टेप की बात करें तो यहां पे क्या आएगा, ये 9 है, तो इस वैल्यू को क्या करेंगे, आपने लिखा ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, तो अगला क्या होगा, 3 का स्क्वायर,
यहाँ पे क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, और 3 के बाद 4 आता है तो हम यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर होगा 16 होगा। अब देखिए 9 चौक 16 9 क्या होगा 144 होगा, 16 9 का अंतर क्या 7 आ रहा है, तो 7/44 हो गया। बात समझ में आ गई। अब आखिरी स्टेप में हम यहाँ पे एंड सो ऑन करके सब पूरा ना लिखे, हम लास्ट वाले क्वेश्चन की बात करें तो अब यहाँ पे देखिएगा इस नंबर को अगर बहुत अच्छी तरीके से समझें तो आपको एक बात समझ आ रहा है, ये आखिरी नंबर किसका स्क्वायर है, 81। ये कैसे लिख दें, और यहाँ पर लिखेंगे ये, यहां पे क्या करेंगे 100 लिखते हैं, 100 लिखेंगे तो जैसे ही करेंगे तो ये 9 का स्क्वायर है और ये क्या है 10 का स्क्वायर है, तो ये नंबर हमने ऐसे ही रूप में लिख दिया। अब देखें इन दोनों का अंतर देखें तो 19 के नंबर पे आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा इन सभी प्रकार के, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसके बीच के सभी स्टेप हट जाते हैं, मतलब केवल पहला स्टेप बचता है और लास्ट स्टेप बचता है, बाकी सभी नंबर क्या होंगे कट जाएंगे। जैसे माइनस का 1/9, ये का प्लस के 1/9 से, 1/16 इसके आगे से, और ये जो नंबर है ये इसके इधर वाले से नंबर से कट जाएगा, केवल उनको 2 नंबर बचेंगे, पहला और आखिरी नंबर। ये पहला और आखिरी नंबर ये 1/1 हो जाएगा, ये 1 बाय क्या होगा 100 होगा, 100 से 1 को घटा दें तो 100 को घटाएंगे तो क्या होगा 99 अपॉन क्या होगा 100 हो जाएगा। अब इस ऑप्शन को देखें तो ये पहला ऑप्शन में ए ऑप्शन मिल रहा है, तो आंसर क्या होगा 99 अपॉन क्या होगा 100 हो जाएगा। तो हमने फिर से बोला कि अगर ये क्वेश्चन आप ढंग से समझें तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो लोगों ने इंटरमीडिएट की मैथ द्विघात समीकरण के रूप में पढ़ा है ये तो उनके लिए क्या होगा थोड़ा सा और इजी हो जाता है, लेकिन हम आपसे पहले पूछ रहे हैं जो आउटसाइड का स्टूडेंट है उसके लिए क्या करें, उसके लिए तो हम यही कह रहे हैं केवल ये नंबर है इसके ये बात फैक्टर समझिए, ये 1 है और ये क्या है 4 है, ये क्या है 4 है और ये 9 है, ये क्या है ये 9 है और ये 16 है, और लास्ट वाले नंबर की बात कर लें तो ये नंबर कितना है, ये नंबर 81 और 100 है। इस प्रकार के कोई भी पैटर्न आपको मिल जाता है, इन दोनों का अंतर ऊपर मिल रहा है, इन दोनों का अंतर ऊपर मिल रहा है, तो आंसर पहले और लास्ट से मिलता है। नीचे क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीपल 100 आएगा, 1 और 100 का मल्टीपल 100 आएगा, और इन दोनों का अंतर क्या होगा 100 और 1 का अंतर क्या होगा 99 आएगा, तो 99 अपॉन क्या होगा 100 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत ढंग से समझिए और ये आगे चल के हमको बेनिफिशियल होगा, जब भी भिन्न वाले क्वेश्चन को जब टफ क्वेश्चन आगे सॉल्व करने की बात करेंगे तो ये क्वेश्चन को मदद करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे और कैसे क्या देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं और देखते हैं कैसे है। ये भिन्न का एक सिंपल सा जोड़ो घटाना है और आपको बहुत आसानी से आ जाना चाहिए। देखिए यहां पे भिन्न घटाने के रूप में देखें तो ये दशमलव वाले नंबर कितना असर कर रहे हैं इसकी बात करते हैं। देखिए तो यहां पे कैसे करेंगे, ये 3 प्लेस पे है, ये 3 प्लेस पे, तो 3 और 3 क्या होगा 6 हो जाएगा, 6 से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, तो यहां 3 उतार दो, यहां पे 3 में 3 जोड़ेंगे, ये नंबर उतार चुके हैं, ये नंबर उतार चुके हैं, इस नंबर से हो गया, तो 3 में 3 जोड़ा 6 और 6 से 0 जाएगा तो 6 से आएगा, ये 3 हुआ और 3 है तो ये 3 हो गया, डेसिमल लग गया, 33 था, 33 में 3 जोड़ा क्या होगा 36 हो गया, 36 में 2 घटाएंगे तो 34 हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा 34 3 6 3, ये आंसर। देखिए फिर से कह रहे हैं इस नंबर के बात को, असर को देखिए, हमने कहा कि इस नंबर पे तो इस नंबर को क्या करेंगे, पहले हम दशमलव के कितने प्लेस है 3 प्लेस है, तो पहले हम इनकी बात करें और नंबर को घटा दें, जो प्लस है उसको जोड़ेंगे, जो माइनस है उसको घटाएंगे, तो 3 में 3 जोड़ा क्या हुआ 6 और 6 में 3 घटाया तो कितना हो गया 3, तो ये 3 यहां पे आ रहा है, से ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। चलिए देखते हैं उसके बाद देखते हैं, ये 3 है, ये 3 में 3 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, तो 6 होना चाहिए, 6 यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो ये भी सही हो गया, सब में 6 है तो हम नहीं करेंगे। चलिए उसके बाद की बात करें, ये 3 है यहां पे और कहीं 3 नहीं है, यहां पे 0 है, यहां 0 तो 3 आ जाएगा, तो 3 ये सही हो गया, ये गलत हो गया, ये सही हो सकता है, यहां पे भी ये गलत हो गया, अब हमको 2 ऑप्शन बचे हैं, 1 और 2, इनमें से सही देखना है। यहां पे देखिए 33 है, 33 में 3 जोड़ा 36 हुआ, 36 से 2 घटा देंगे 34 हो गया, तो ये आंसर गलत हो गया और ये आंसर क्या हो गया सही हो गया, तो कौन सा आंसर सही हुआ, सी वाला ऑप्शन क्या हो गया सही हो गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है, 0.008 है, इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 1/5 के बराबर है, इनमें से छोटी संख्या क्या है। तो देखो एक संख्या दूसरी संख्या के 1/5, तो इसका मतलब है एक संख्या जो है वो 1x है, दूसरी संख्या क्या है 5x। इसको हम 5x के लिए जानबूझ के माना, क्योंकि इसको गुणा करेंगे, गुणनफल निकलने में क्या होगा, जब इन दोनों को छोटा नंबर क्या 1x है, बड़ा नंबर क्या है 5x है, इसको जैसे गुणा करते तो 5 आंसर क्या होगा 5 होगा और ये x स्क्वायर हो गया, और ये नंबर किसके बराबर है 0.008, और यहां पे 0 बढ़ा दिया। 0 आप पूछोगे सर 0 क्यों बढ़ा दिया, तो हम आपसे सिंपल से कहेंगे कि इसको हमको भाग देने में क्या होगी आसानी होगी। कैसे आसानी होगी, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0.00, और इसकी बात करें तो क्या होगा 16 बचेगा 80 हो जाएगा,
और ये चूंकि स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर में ध्यान रखना हम पेयर बना लेते हैं कि ये क्या है, पेयर बन गया 0 पॉइंट पेयर, इसका मतलब है दशमलव जो लगेगा दो संख्याओं के बाद लगेगा। तो इसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है तो 0.4 होगा, ये स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर हटा दें तो एक्स बराबर क्या होगा, 0 पॉइंट कितना होगा, 0.04 के बराबर हो गया। और चूंकि हमको छोटा नंबर चाहिए, देखिए इसमें छोटा नंबर क्या है, 1x है, तो 1x के बाद 0.04 निकाली तो ये छोटा नंबर होगा। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा, तो ये ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमने इसको गुणा किया तो 5 5 आ गया, ये एक्स स्क्वायर है, ये स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर की फॉर्मूला का तो छोटा नंबर को ऑलरेडी मिल गया, आंसर क्या होगा, 0.04, इट इज आंसर। एनी डाउट इन योर माइंड? अगर कोई डाउट नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ पढ़ते हैं, देखते हैं 10 नंबर क्या आता है, कैसे करते हैं इसको ध्यान। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर इस क्वेश्चन में लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं इसको देखते हैं, हो सकता है आपसे गलती ना होती हो लेकिन बहुत सारे लोगों से गलतियां भी होती हैं। जैसे ये 0.24 है, 0.24, 1.8, 2.7, 16 का हमको क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना। पहली चीज ध्यान रखना, जब भी दशमलव वाले केस में आए तो दशमलव के बाद के जितने भी अंक हैं उनको बराबर कर दीजिए। यहाँ पे दशमलव के दो अंक है तो यहाँ पे 0 बढ़ा के दशमलव लगा दीजिए, यहाँ 0 लगा दीजिए, यहाँ पे नहीं है तो दशमलव लगा के 2 0 बढ़ा दीजिए। ये इसका मतलब है हम इस नंबर पे, हम इस नंबर के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे इसके दशमलव हटाए 24, 180, 270 और 1600, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये सभी नंबर देखिए किसके पहाड़े में आ रहे हैं, क्योंकि इसमें 4 आ रहा है लास्ट में, इसमें 0 आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, तो नंबर 2 के पहाड़े में आएंगे। और 2 के पहाड़े में जब जैसे जो नंबर सब में कॉमन होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 2 के पहाड़े में 12 बार आएगा, 2 के पहाड़े में 90 बार आएगा, 2 के पहाड़े में 135 बार आएगा और 2 के पहाड़े में क्या होगा, 800 बार आएगा। लेकिन अब देखिए कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, 0 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ, लेकिन 5 का कोई फैक्टर यहाँ पे नहीं है, केवल 2 ही कॉमन आ रहा है और कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा, 2 हमारा क्या होगा, एलसीएम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दशमलव के रूप में चाहिए और दशमलव को कितने संख्या, समय 2 संख्या डेसिमल लगा था, तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो लिखेंगे उसको क्या लिखेंगे, 2 संख्या क्या करेंगे, डेसिमल लगा दो, 2 को लिखा और 2 संख्या डेसिमल लगा दिया, तो ये आंसर होगा 0.02 आंसर हो जाएगा। तो दिए गए ऑप्शन में क्या, ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा, इट इज योर आंसर। उम्मीद करते हैं ये बात पूरी तरीके समझ में आ गई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 11 एक बेहतर क्वेश्चन हमको सॉल्व करने को मिल रहा है। और इसको सोचिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी मेरिट को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो ज़्यादातर कोशिश, क्वेश्चन को छोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इनमें सबसे पहली चीज़ इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आ जाता है, तो जैसे 2 की पावर 60 है, तो 2 की पावर 60 या ये जो भी पावर है, सबसे पहले इनको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के रूप में निकाल लेते हैं। ये सब किसके पहाड़े में आ रहे हैं, तो पता चला 12 के पहाड़े में 5 बार है, ये 12 के पहाड़े में कितने बार है, 4 बार है, 12 6 48, ये 12 के पहाड़े में 3 बार है, ये 12 के पहाड़े में 2 बार है। तो सबसे पहले इस नंबर को 12 के पहाड़े के रूप में तोड़ लें। तो ये चीज़ अगर जैसे ही तोड़ेंगे तो 2 की पावर क्या होगा, 5 हो जाएगा और ये क्या होगा, 12 बन जाएगा। इसकी बात करें तो 3 की पावर क्या होगा, 4 हो जाएगा और पावर क्या होगा, 12 6 48 हो जाएगा। ये 4 की पावर क्या होगा, 4 की पावर 3 हो जाएगा और पावर क्या होगा, 12 हो जाएगा। और ये 5 की पावर 2 हो जाएगा और यहाँ पे ये 12 के रूप में पावर के रूप में हो गया। अब देखिए ऊपर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेने से हमें बाहर निकल गया, अब 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 32 होता है, और इसको 32 की पावर 12 है, यहाँ पे 3 की पावर 4 का मतलब 81 होता है, और इसके ऊपर पावर 12 है, 4 का मतलब क्यूब बराबर होता है 64 होता है, इसके ऊपर 12 है और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, इसकी पावर क्या 12 है। अब इनमें देखिए जब पावर बेस इक्वल है तो अब बताइए इनमें से कौन सा नंबर सबसे बड़ा दिख रहा है, जो नंबर सबसे बड़ा है वो नंबर क्या होगा, वो सबसे बड़ा होगा 32, और 32 बड़ा से बड़ा क्या है, 81 जो नहीं 64 छोटा है, 25 क्या छोटा है, तो सबसे बड़ा ये नंबर है और ये किसका ऑप्शन है, 3 की पावर 48 का, तो क्या होगा, ये 3 की पावर 48 सबसे बड़ी संख्या होगी। समझ में आ गया, हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखा, जो बाकी नंबर थे उसको रिमाइंडर नंबर को पावर के रूप में हमने तोड़ लिया और जो सबसे बड़ा आएगा वो सबसे बड़ा होगा। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होंगी। ये क्वेश्चन नंबर 11 था, अब क्वेश्चन नंबर हम 12 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, 10 16 तथा 24 तीनों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या क्या है। तो यहाँ पे एक शब्द आएगा छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या की बात करें तो सबसे इन सबसे छोटी संख्या का मतलब होता है एलसीएम। तो किसका एलसीएम निकालें हम, 10 16 तथा 24 का एलसीएम निकालें।
तो वैसे तो हम आपसे बताते रहे, देखिए एक बार क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, जब कभी एलसीएम निकालना हो तो हम ये जो मेथड दे रहे हैं ये मेथड से नहीं लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे इस जगह हमको जरूरत है इसलिए लगा रहे हैं। दो पंचे क्या होगा, 10 2 6 16 और 2 1 2 और 2 2 4। ये दोनों चार के पानी में आते हैं तो चार कॉमन ले लें, तो 5 ऐसे रहेगा, 2 2 4 और 2 3 4 4 2 8 और 4 3 क्या होगा, 12। ये हमारे हो गया। तो एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होगा, इन लोगों का मल्टीपल होगा, तो हम 2 लिखे दे रहे हैं, 4 लिखे थे, 2 को पहले लिखा फिर 4 लिखा, तो हमने ये 2 लिख दिया इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 लिखे, इनको मल्टीप्लाई किया तो देखिए क्या होगा, 3 का गुणा 4 से क्या, 3 6 12 और 12 2 24 होगा और 5 2 क्या होता है, 10 होता है, तो एलसीएम 240 हो गया। एलसीएम कितना हो गया, 40 हो गया। लेकिन ये एलसीएम निकल के आया, यहाँ पे कह रहे सबसे छोटी वर्ग संख्या चाहिए, लेकिन ये वर्ग संख्या नहीं है तो हमको लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर वर्ग होना चाहिए। तो आप देखिए ये एक वर्ग संख्या है, ये 2 का स्क्वायर है और ये 4 मतलब ये भी 2 का स्क्वायर है, या बोले ये 2 क्या होता है, 4, तो ये 4 का स्क्वायर है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, ना 5 स्क्वायर है ना 3 स्क्वायर है, और 5 और 3 का मल्टीपल क्या होता है, 15। अगर हम एलसीएम में इस नंबर को 15 से मल्टीप्लाई करें, एलसीएम कितना है 240 में 15 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई करते हैं 15 0 0 15 6 60 0 6 15 2 30 और 6 36 हो गया। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कौन सा सही आ रहा है, तो 3600 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर, तो ये क्वेश्चन में 3600 आंसर के रूप में लिख दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया। 13 नंबर क्या आ रहा है, अंडर रूट 625 प्लस 484 का मान ज्ञात करो। देखिए 625 की बात कर रहे हैं तो अंडर रूट 625 की वैल्यू, अंडर रूट 625 ये है प्लस क्या है, अंडर रूट 484, इनका मान ज्ञात करना है। एक सिंपल सा क्वेश्चन आ गया टेस्ट पेपर में, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये किसका मालूम है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 25 होती है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, अंडर रूट 625 की वैल्यू क्या होगी, 25 होगी। ये किसका अंडर रूट है, ये 22 का है, तो इनको जोड़ दें तो आंसर क्या होगा, 47 ए ऑप्शन के रूप में हमारा आ जाता है, और ये ए ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। ये बात समझ में आ रही है, तो ये क्वेश्चन के रूप में हम देते हैं। अब यहाँ पर चूंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया है, इसलिए यहाँ पर हम आपको एक नोट के रूप में तैयार कर रहे हैं, और नोट के रूप में देखिए कैसे होता है। अगर यहाँ पर एक संख्या ये ले लेते हैं, इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं, ये बात समझ में आ गई। अब इस क्वेश्चन के बाद हम नोट्स की बात कर रहे हैं। नोट्स किस पे कह रहे हैं, जिन संख्याओं के लास्ट में 5 आता है उनके हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इनकी बात करें। अब मान लीजिए आपका कोई भी नंबर आएगा, पहली चीज़ तो ध्यान रखा है, एक बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अगर ये नोट नंबर 1 है, इस जगह टिप्स के रूप में आपको दे रहे हैं नोट नंबर 1, अगर कोई नंबर है कॉन्टी पहले जैसे 20 और 25 है, इसका वर्गमूल निकालना है, तो पहली चीज़ ध्यान रखना कि ये नंबर 25 आएगा ही आएगा, ये कॉन्स्टेंट नंबर है, इसके अलावा कोई नंबर हो ही नहीं सकता 5 वाले केस में, अगर वो पूर्ण वर्ग है। बात समझ में आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस नंबर को ये 5 लिख देंगे और ये 2 कॉन्टिन्यूस नंबर का वर्ग होगा, सॉरी मल्टीपल होगा, ये कॉन्टिन्यूस नंबर कौन है, 4 और 5 का मल्टीपल। अगर नहीं समझ में आया कि कौन सा ये किसका वर्ग होगा, तो ये नंबर किसके वर्ग से बड़ा है, बस इतना ध्यान रखिए, ये 4 के वर्ग से क्या है, बड़ा है, तो ये 4 लिख दीजिए तो 45 इट इज आंसर। हो सकता है ये बात समझ में आई है, तो हम कुछ और बड़े नंबर की बात करते हैं। मान लीजिए इससे बड़ा नंबर की बात करें, ये लिख लें 9025। अब 9025 है, अब देखिए इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, ये नंबर सेकंड हो गया, तो देखिए इस पे लास्ट पे क्या रहा है, 25 आ रहा है। हमने बोला वर्गमूल के भीतर कभी भी अगर 5 वाला टर्म्स वाला कोई भी नंबर आया तो वर्गमूल निकालना क्या आसान होता है, पहले 25 वाले नंबर को हटाने के बाद जो नंबर बचा है, वेस्ट नंबर बचा है, उसको देखिए। ये 2 कॉन्टिन्यूस नंबर का मल्टीपल दिख जाता है, अगर आपको दिख जाता तो आसानी से कर दिए, ये 9 और 10 का मल्टीपल है, तो इसका क्या, अगर यहाँ से 5 उतार दिया, अंडर 25 के बोले 5 होती है, इस पर छोटा वाला नंबर उतार दिया, ये क्या हो गया, ये हो गया। अगर मान लीजिए कॉन्टिन्यूस आपको नहीं आ पा रहा, तो ये नंबर किसके स्क्वायर से जस्ट बड़ा है, तो आपको पता चलेगा 9 के स्क्वायर से जस्ट बड़ा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 95 यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा है, तो ये बात समझ में आ गई होगी, तो 5 के वर्गमूल के रूप में कोई नंबर है उसको निकालने का एक सिंपल सा तरीका हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं, देखिए 14 नंबर क्या कह रहा है, 76 48 84 66 70 तथा 64 का हमको क्या निकालना है, औसत निकालना। हमने आपसे बताया था कि औसत कभी भी निकालें तो सभी संख्याओं को जोड़कर जितनी संख्या उनसे भाग दे दें तो औसत आ जाएगा। तो अगर इन सभी संख्याओं को जोड़ें और क्या करें, जितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 इन 6 संख्या से भाग दे दें, तो हमारा क्या आंसर होगा, जो जोड़ते हैं 4 और 6 10 4 14 8 22 और 6 28 के 8 2 हासिल।
दो हासिल हुए, इस पे जोड़ा, दो जोड़ा सात, और दो नौ, चार तेरह, तेरह आठ इक्कीस, छः सत्ताईस, सत्ताईस सात चौंतीस, चौंतीस और छः क्या होगा 40, ये 408 हो गया। संख्याएं थी, छः छः से भाग दे दें तो हमारा आंसर आएगा, छः के पहाड़ी में छः बार जाएगा, छः छः 36 हो गया, चार बज गया, छः छः 48 होता है तो 68 आंसर हो गया। अब इसमें देखिए कौन सा आंसर सही है, तो 68 हमारा क्या हो गया, सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। समझ में आ गया? तो एवरेज मतलब क्या होगा, सभी संख्याओं के योगफल से जितनी संख्या भाग देंगे तो एवरेज आ जाएगा। तो क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया? तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात देखिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कार, जीप तथा ट्रैक्टर की गति के बीच कितने अनुपात है, 3:5:2 है, 3:5:2 है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 25% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है। कार तथा जीप की औसत गति क्या है? अब यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा, जब अनुपात दे रखा है और ये परसेंटेज भी दे रखा है, तो इसका मतलब है इस परसेंटेज वाली लाइन को हम ना भी पढ़ें तो कोई फर्क नहीं आएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्या बोला हमने, अगर ये परसेंटेज वाली लाइन को हम हटा भी दें, ये अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है, इसको बात को समझिए, इसकी अगर हटा भी दें तो भी क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं आएगा अगर ये अनुपात दे रखा है तो, क्योंकि अनुपात परसेंटेज का मतलब भी क्या होगा, अनुपात होता है रिलेशन के बीच में आता है, और अनुपात भी क्या है, दे रखा है तो हमको क्या जरूरत है इसको करने की, दिमाग बढ़ा लिएगा, ये आपको कन्फ्यूज करने के लिए दे रखा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आ गया। कितने का अनुपात है, 3:5:2 का अनुपात है। अब ये कह रहा है जीप की गति ट्रैक्टर की गति की, जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250 गुना, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब ये कह रहा है कौन, ट्रैक्टर 12 घंटे में 360 किलोमीटर। अब पहले बताइए इनमें अनुपात कितना है, कार का अनुपात 3 है और जीप का अनुपात 5 है और ट्रैक्टर की गति का अनुपात कितना है, 2 है। अब यहां पे देख रहे हैं, यहां पे कह रहा है कि ये जो ट्रैक्टर है ये 12 घंटे में कितनी दूरी तय करता है, 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। हमको मालूम है एक घंटे में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं, चाल कहते हैं। ये इसका कितने गुना है, कितने गुना, 12 36 होता है, 30 गुना है, तो इसका भी 30 गुना करेंगे तो एक घंटे में चली गई दूरी कितनी है, 30 है, और एक घंटे में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं, चाल कहते हैं। तो इसका मतलब है ट्रैक्टर की चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और क्वेश्चन में ट्रैक्टर की गति कितनी का बीच में क्या रेशियो है, 30 है, तो ये 30 लिखे। ये इसका कितने गुना है, 15 गुना है, ये इसका 15 गुना है। अब पूछा है कार तथा जीप की औसत गति, तो ये कार है और ये कार है और जीप है, इसकी औसत गति देखी है, तो किसी भी नंबर का औसत निकालने का सिंपल सा तरीका होता है, दोनों को जोड़ दो और उसको अगर जितनी संख्या उससे भाग दो, तो 5 में 3 जोड़ेंगे क्या हो, 8, और 8 को 2 से भाग दे देंगे तो औसत कितना हो जाएगा, 4। तो ये औसत आ गया, किसका किसका औसत आएगा, ये इन दोनों का औसत, कार तथा जीप का औसत आएगा। ये इसका 15 गुना है तो आंसर भी क्या होगा, 15 गुना होगा, 15 6 क्या होगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 60 तो क्या करेंगे, औसत गति क्या लिखेंगे, 60 किलोमीटर प्रति घंटा लिखेंगे, और इसके हिसाब से कौन सा आंसर सही है, ए ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। क्लियर? तो चाल के रूप में यहां पे परिभाषित कर लीजिए, चाल के रूप में कि 12 घंटे में 360 किलोमीटर जाता है, एक घंटे में जो दूरी तय करेगा उसे क्या लेंगे, चाल कहते हैं। इसलिए हमने यहां पे सीधे एक घंटे के रूप में रिलेशन निकाल लिया। क्लियर? उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 की बात कर रहे हैं। देखिए बात समझिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन को करने से पहले हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो पेन और कॉपी लेके बैठे हैं और जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसको सॉल्व करते जाएं ना, तो लगातार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो अपने माइंड को क्या कर रहे हैं, आप क्रिएट कर रहे हैं सक्सेस के लिए। तो हमारे एक ही बार बार हम बार बार बोल रहे हैं, क्रिएट योर माइंड फॉर सक्सेस। तो ये हम एक क्रिएशन बैच के रूप में कर रहे हैं कि हम क्रिएट कर रहे हैं आपको किसके लिए, आपके माइंड को किसके लिए क्रिएट कर रहे हैं, सक्सेस के लिए। तो इसलिए दिमाग बढ़ा लीजिएगा, पेन और पेंसिल या पेन और पेन और कॉपी लेके बैठिए और उसको कॉपी में सॉल्व करते रहिए और देखते रहिए आपका आंसर सही आ रहा है गलत। चलिए इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या का 2/5, संख्या का 2/5 2x/2 क्या होता है, 5 होता है। किसी संख्या के 2/5 का 2/5 का 3/7 का मतलब होता है इंटू 3/7, यहाँ देखिए 3/7 बराबर किसके है, 198 के बराबर, 198 के बराबर। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो ये नंबर कहीं ना कहीं का किसी संख्या का, तो संख्या हमने x मान ली और उसका क्या का 2/5, तो 2/5 का मतलब इंटू होता है 3/7 या 198, तो संख्या ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन आ गया।
अब इस नंबर को देखें तो नंबर क्या होगा, दो तिहाई क्या होगा, छः होता है, दो तिहाई छः होता है, तो छः से नंबर देखिए कट रहा है, छः के पहाड़ में कितने बार, छः तक 18 होता है, एक बचेगा छः तक 18, तो ये बचा एक्स बराबर, ये 33 हुआ और 5 सत्तर क्या होता है 35 होता है, 35 से जाकर मल्टीप्लाई हो गया तो हमारा आंसर आ गया। तो ये आंसर कितना हो गया, देखिए आंसर हो गया 1156 से एक कम, मतलब 1155 हो गया, 1155 आंसर। अब अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, लेकिन हमने फिर से कह रहे हैं मल्टीप्लाई मैनुअल तरीके से गुणा मत कीजिए, समझ में आ रहा है। तो इसके रूप में देखें तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, 1155, तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे हम नोट करके देख रहे हैं कि नंबर कैसे आ गया, 3335 का मल्टीपल कैसे आ गया। तो हमने आपसे बताया था अगर ये 33 है और ये 35 है तो इनका एवरेज की बात करें तो एवरेज क्या होगा, 34 मतलब ये नंबर रहेगा, तो ये नंबर 34 का स्क्वायर, तो आंसर 33 और 35 का मल्टीपल क्या होगा, 34 के स्क्वायर, तो 34 का स्क्वायर क्या 1156 होता है, और 1156 से इन दोनों के बीच में कितनी गैपिंग है, एक ही गैपिंग है, तो एक कम होगा, तो इससे 1156 से एक कम कर देंगे तो क्या होगा, 1155 होगा। तो ये क्वेश्चन क्या होगा, नोट नंबर क्या हो गया, 2 हो गया, नोट नंबर 2, तो नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये मल्टीपल मैनुअल तरीके से मत कीजिएगा, स्क्वायर आपको याद होते हैं, तरीका आपको आता है, इसलिए इस तरीके का इस्तेमाल कीजिए। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ देखते हैं क्या कह रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया, यदि किन्हीं दो अंकों की एक संख्या के अंक परस्पर पलट दिए जाएं। देखिए जब भी कह रहा है यदि किसी संख्या के अंकों को परस्पर पलट दिया जाए, तो एक बात को दिमाग पर बैठा लीजिएगा कि जब भी अंकों को पलटोगे तो अगर मूल संख्या से उसको घटाया जा रहा है तो उनके बीच में जो अंतर आएगा, जो भी अंतर के रूप में आएगा, वो 9 के पहाड़े में जरूर आएगा, इस बात को दिमाग बैठा लीजिए। तो हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करें, इसी क्वेश्चन की बात करें, इस प्रकार प्राप्त संख्या का आधा किया जाए, जो संख्या पलटने से, संख्या परस्पर पलटने से जो संख्या होगी उसका आधा किया जाए, तो प्रणाली संख्या क्या होगी, मूल संख्या से 14 क्या होगी, कम होगी, और मूल संख्या, यदि मूल संख्या के अंकों का अंतर कितना है, 2 है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन को यहां से चालू करेंगे, मूल संख्या में के अंकों में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, तो यहां पर देखते हैं वहां ऑप्शन की मदद से क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, इनमें 2 का अंतर है, इनमें 2 का अंतर है, इनमें 2 का अंतर है। सबसे अच्छी बड़ी चीज इस विकल्प में क्या है, आसानी से क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये 46 है और ये उसका अपोजिट है, ये 68 है, इसका अपोजिट दे रखा है, तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए आसान होगा। हम कोई भी ऑप्शन उठा लें, मान लीजिए हमने ये वाला ऑप्शन उठा लिया 46 है, तो इसको जैसे ही चेंज करेंगे तो क्या होगा, इस संख्या बन जाएगी 64 बन जाएगी, और कह रहा है इस प्रकार प्राप्त संख्या का आधा, अगर 46 का आधा करें तो क्या होगा, 32 हो जाएगा, और इनका अंतर कितना आ रहा है, 14 आना चाहिए, तो 14 दिख रहा है, इनका अंतर 14 दिख रहा है, तो हमारी संख्या क्या हो गई, 46 हो गई। फिर देखिए पहली शर्त है मूल संख्या के अंकों का अंतर क्या होना, 2 होना चाहिए, 4 और 6 का अंतर देखिए कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब कह रहा है कि अब ऊपर वाली शर्त पे क्या कर रहा है, यदि कि दो अंकों की संख्या के अंक परस्पर बदल दिए जाएं, तो 46 संख्या थी, इसके अंकों को बदल दिया तो 6 इधर आ गया, 4 उधर चला गया, तो संख्या बन गई 64 हो गई, 64 के। अब कह रहे हैं संख्या इस प्रकार प्राप्त संख्या का आधा, तो 64 का आधा क्या हुआ, 32, और 32 को मूल संख्या से इसके हिसाब दी हुई शर्त के हिसाब से घटा दें, तो आंसर कितना आना, 14, और यहाँ पर 14 आ रहा है, तो इसका मतलब मूल संख्या कितनी है, 46 है, तो 46 इट इज योर आंसर। अगर अकॉर्डिंग क्वेश्चन करें तो ऑप्शन की मदद से इस क्वेश्चन को हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 17, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्या करें, 18 की तरफ करें। अब हम आपसे एक चीज और कहना चाहेंगे कि आपने, आपको वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, चैनल को समय भी दे रहे हैं और भरपूर सहयोग भी दे रहे हैं, तो हम आपसे फिर कहेंगे कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको लग रहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं और मेहनत मेरी जुनी है, मेरी मेहनत दिख रही हो आपको, तो आप हमारा सहयोग कीजिए और एक गुरु के लिए समर्पण की भावना का जो होती है उसके रूप में सहयोग कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। ये आपका कर्तव्य है, क्वेश्चन बनाना मेरा कर्तव्य है, वो दोनों जने हम दोनों अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से पूरा करें। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ कह रहे हैं और ये क्वेश्चन इस प्रॉब्लम से संबंधित है। देखिए क्या कह रहा है, ए तथा बी की वर्तमान आयु, ए तथा वर्तमान मतलब प्रेजेंट की बात करें, ए तथा बी की वर्तमान आयु में 4 और 5 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद अगर कह रहे हैं तो 5 वर्ष बाद फ्यूचर आएगा और फ्यूचर में ये अनुपात क्या हो जाता है, 5 और 6 का अनुपात हो गया। तो अगर 5 वर्ष बात करें तो हम ऐसे शो करते हैं 5 वर्ष बाद। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी चीज बताने जा रहे हैं इस प्रॉब्लम के रूप में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे यहां पे ध्यान दीजिएगा। ओरल कैसे हो सकता है,
यहां पे देखिए रेशियो 4 से 1 बढ़ गया, 5 हो गया, ये भी रेशियो 5 से बढ़ के 1 हो गया। इसका मतलब ये जो 5 साल उम्र बढ़ रही है उसका रेशियो के हिसाब से देखिए तो ये 5 किसके बराबर है, ये जो रेशियो 4 से 5 हो रहा है 1 बढ़ रहा है इसके कारण 5 हो रही है, मतलब ये इस नंबर का 5 गुना है। अब पूछिए क्या है, ए की वर्तमान उम्र पूछी है, ए की वर्तमान उम्र का रेशियो 4 है तो ए की उम्र बराबर क्या होगी 4 का 5 गुना हो जाएगी, 4 पंचे क्या होगा 20 हो जाएगा, 20 इट इज योर आंसर। समझ में आ रहा है? और ये चीज जब आप कभी आपको ऐसे दिख जाए तो ये सब कुछ बनाने की जरूरत नहीं होती, आप सीधे सीधे देखिए कि यहाँ पे उम्र 4 की जगह क्या हो रही है 5 हो रही है और ये 5 की जगह क्या हो रही है 6 हो रही है, मतलब 1 बढ़ रहा है तो जितने वर्ष आप आगे या पीछे जा रहे हैं वो उसके बराबर, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा 5 के, ये इसका 5 गुना है तो सीधे सीधे 5 गुना और 5 का पढ़ा 4 बार पढ़ दी, 5 का क्या होगा 20, तो ए की उम्र आ जाएगी और 5 का पढ़ा 5 बार पढ़ देंगे तो बी की उम्र आ जाएगी, तो बी की उम्र बराबर क्या होगी 25 वर्ष। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 1920 की बात कर रहे हैं, ए का विवाह 9 वर्ष पहले हुआ था, मतलब अगर हम इसकी बात करें तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है और उसका विवाह 9 वर्ष पहले हुआ था, तो ए का दिमाग बढ़ रहे ये अगर 9 वर्ष पहले हुआ था तो उसका पास्ट में विवाह हुआ और आज उसकी आई मतलब प्रेजेंट की जो आई है वो क्या है उस समय की आयु की, उस समय की आयु की क्या थी एक से एक बटे तीन, इसको करें तीन का तीन और क्या हुआ 4 बटे तीन। जैसे हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि आज उसकी आयु उस समय की आयु की 4 बटे तीन थी तो बताइए इसमें वर्तमान कौन होगा पास्ट कौन होगा, तो आपको मालूम है वर्तमान की उम्र ज्यादा होगी और पास्ट की उम्र क्या होगी कम होगी, इसका मतलब है इसका रेशियो 4 होगा, इसका 3x होगा, ये 4x मान लें और इसको क्या मान लें 3x, बस का विवाह 9 वर्ष हो, तो इनमें क्वेश्चन में देखिए कितने का अंतर आ रहा है तो आप बताओगे इनमें 1x का अंतर आ रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से 9 वर्ष पहले हुई थी तो विवाह के समय की उम्र और अभी उम्र जो होगी उनमें 9 वर्ष का अंतर होगा, तो आपको चाहिए वर्तमान उम्र चाहिए, ए की वर्तमान उम्र चाहिए, इसका 9 गुना है तो इसका 9 गुना करने 36 हो गई, तो उसकी वर्तमान उम्र क्या है 36। क्लियर? फिर से कह रहे हैं 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और एक क्या 4/3 आएगा तो वर्तमान उम्र 4 होगी, इन दोनों में 1 का अंतर है और 1 किसके बराबर 9 के बराबर है तो 4 का 9 गुना करेंगे तो क्या होगा 36 होगा। अब यहां कंडीशन दे रही है उसकी पुत्री की आयु उसकी उम्र की 1/6 है, अगर वो 36 है तो अगर इसकी उम्र पुत्री की उम्र निकालनी है तो हम क्या करेंगे उसकी उम्र ए की उम्र की 1/6 करेंगे तो कितना 6 आ जाएगा, तो ये 6 हमारा पुत्री की वर्तमान उम्र 6 वर्ष हो गई, लेकिन 2 वर्ष पूर्व उम्र पूछी है तो 2 वर्ष पीछे जाएंगे 6 में से 2 घटा देंगे तो 2 वर्ष पूर्व उसकी उम्र जाओगी 4 वर्ष हो जाएगी। इसके दिए गए आंसर के हिसाब से कौन सा सही है, आंसर लिखेंगे 4 वर्ष, तो इनमें इसकी उम्र में कितने अंतर रहेगा 4 वर्ष का, 4 वर्ष होगी तो पुत्री की उम्र 2 वर्ष पहले पूर्व क्या होगी 4 वर्ष होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ पढ़ रहे हैं, इन क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ने से पहले हम आपसे फिर से कहने जा रहे हैं अब जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो और अगर उस एग्जामिनेशन के लिए आप अपना 100% देते हो तो आपको सिलेक्शन पाने से कोई भी रोक नहीं सकता, अगर आप अधूरे मन से काम करोगे तो फिर आपको मालूम है जब अधूरे मन से कोई भी काम करोगे तो कभी पूर्ण नहीं होता और जो काम पूर्ण नहीं होता उस पर सफलता भी पूर्ण नहीं होती, आप पूरा अपना 100% दीजिए और 100% समर्पण के साथ ये काम कीजिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फिर से क्वेश्चन नंबर हम 21 की तरफ आते हैं, कह रहा है कोई रुपए 1000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। जब भी 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछे तो हमने आपसे हमेशा बताया है इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहां पर जब 5% वार्षिक दर से दे रखा है तो इसका जो अंतर होता है, अंतर जो होता है ये हम हमेशा बता रहे हैं 5 का स्क्वायर कर दो, ये 5 का स्क्वायर क्या 25 होगा और उस पर 2 संख्या और डैश लगा दो, ये अंतर कहलाएगा। और प्रतिशत के रूप में अगर मूलधन देखिए तो मूलधन को हम 100 मानते हैं, यहां पे मूलधन कितना है 100 है, अब ये मूलधन आपका 100 है और अंतर कितना 0.25 है, तो अब देखिए क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी मूलधन दे रखा है, मूलधन किसके बराबर है 1000 के बराबर है, मूलधन बराबर 1000 है तो ये 1000 आपको दे रखा है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा इस नंबर को दशमलव अगर हटेंगे तो 2 जीरो यहां पे बढ़ जाएंगे तो 2 जीरो हटा दें, ये नंबर देखिए तो ये इससे क्या है अगर यहां पे दशमलव लगा दें तो ये इससे क्या है एक संख्या क्या है, ये इससे एक जीरो क्या है कम है,
या इसको कह दें 10 से भाग है। तो ये जो आंसर आएगा, ये भी आंसर जो आएगा वो 25 आएगा, लेकिन एक संख्या बाद क्या लगेगा, डेसिमल लग जाएगा। और जैसे ही डेसिमल लगाया तो आंसर क्या होगा, अंतर जो आएगा 1000 रुपए पर चक्रवर्ती साधारण ब्याज का जो अंतर आएगा वो 2.5 आएगा। तो इसके हिसाब से कौन सा आंसर सही है, बी वाला आंसर क्या है, सही है। फिर देखिए, अगर ये 5% देखा है तो 2 साल के लिए चक्रवर्ती साधारण ब्याज का अंतर ऑलवेज क्या होगा, अगर 5 देखा तो 5 का स्क्वायर 25 लिखो और 2 संख्या डेसिमल लगा दो, ये 2 संख्या डेसिमल है। और अगर यहां पे मूलधन को हम 100 के रूप में मानते हैं तो 100 के रूप में देखें तो आपको समझ में आएगा, दशमलव हटाएंगे 2 जीरो बढ़ जाएगा, ये इससे क्या है, ये इससे जो मूलधन है वो 1 जीरो कम है, तो आंसर 1 जीरो कम होने का मतलब दशमलव लगना कहलाता है। तो ये 25 था तो इस पर भी 1 जीरो कम होगा, मतलब क्या होगा, 1 संख्या डेसिमल लग जाएगा, तो ये क्या होगा, 2.5 आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गया होगा। चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, से इस क्वेश्चन को हमने आपको बताया है शॉर्टकट पे, हमने कोई फॉर्मूला नहीं दिया, ध्यान रखना हम कभी भी कोई फॉर्मूला नहीं देते हैं, हम सीधे सीधे क्वेश्चन को लगाने में विश्वास करते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, क्वेश्चन नंबर 22 की बात अब आ जाते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, एक राशि को साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर होता। देखिए 3% अधिक होता तो इसका मतलब यह समझेगा कि अगर 100 पर हमको 3 रुपए अधिक मिलते एक साल में, तो 2 साल में आप बताइए 100 पे 3 रुपए अधिक मिल रहे हैं एक साल में, तो 2 साल में कितने मिलेंगे, 100 पे 3 दुनी कितना होगा, 6 रुपए अधिक मिलेंगे। तो हमने क्या किया, ये 3 और 2 का जो मल्टीपल है ये कर दिया, तो 6 रुपए अधिक मिल रहे हैं, 6 रुपए अधिक मिल रहे हैं, तो मूलधन किसके बराबर है, 100 के रुपए बराबर है। 6 रुपए अधिक मिल रहे हैं तो मूलधन किसके बराबर है, 100 के बराबर है। क्वेश्चन के हिसाब से 72 रुपए अधिक मिल रहे हैं, इसमें अधिक को अधिक के बराबर कर दिया तो ये इसके बराबर हो गए, ये इस नंबर का कितने गुना है, 12 गुना है, तो आंसर भी क्या होगा इसका, 12 गुना हो जाएगा, 100 का 12 गुना क्या होगा, 1200 हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखें तो ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा, तो 1200 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कंपाउंडर्स का ये जो तरीका है, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट का ये जो तरीका है आपको समझ में आया होगा, और इस प्रकार के वैरायटी के क्वेश्चन हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए। तो आप अपना जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23 लिखिए। अब ये क्वेश्चन नंबर हमारे सामने क्या आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर आ गया, कह रहा 3 करों के चालों में 2 और 2, 3 और 4 का अनुपात है, समान दूरी तय करने के लिए, समान दूरी तय करने में उनके समय में क्या अनुपात होगा। तो एक ध्यान रखना कि समय और चाल एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन कब, जब दूरी क्या हो, समान। दूरी अगर समान है तो समय और चाल एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए इसका मतलब है अगर चाल दे रखी है और हमको समय निकालना है तो इनको क्या करो, अगर इस चाल का रेशियो 2 है तो उसको 1/2 कर दें तो वो समय बन जाएगा, इसके 1/2 हो जाएगा, इसका 1/3 हो जाएगा, और ये इसका इसका क्या होगा, 1/4 हो जाता है। अब यहाँ पे क्या करें, इस रूप में हम भिन्न लिखते नहीं तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, 12 से इस नंबर को हम क्या करें, 12 से 2 को भाग दें तो कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा, तो 2 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 3 के पहाड़े में 12 कितने बार, 4 बार आएगा, और 4 के पहाड़े में क्या आएगा, 3 बार आएगा, तो इनका रेशियो क्या होगा, 6 4 और 3 का रेशियो आ गया। ये आपने जो निकाला वो क्या है, एलसीएम है, तो इसे एलसीएम रूप में लिख सकते हैं। तो इनके समय में कितने का अनुपात होगा, 6 4 और 3 का अनुपात हो जाएगा, समझ गए। तो आपको ये बात समझ में आ गई। एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि अब हम जो क्वेश्चन इसमें बता रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आप चाहते हो कि हम प्रैक्टिस और ज़्यादा क्वेश्चन की करें, तो हम आपसे जरूर चाहेंगे कि जो हमारी प्लेलिस्ट में जाए, चैनल में हमारी प्लेलिस्ट पड़ी है, प्लेलिस्ट में हमने जो चैप्टर्स बताए हैं उन चैप्टर में जो क्वेश्चन है उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। तो आप जो ये क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे, और वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और यहाँ पे आप जो पैट की तैयारी कर रहे हो उसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट मिला जा रहा है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की बात। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, तो बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ए मान लीजिए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। देखिए ये क्या कह रहा है, पहली बात को एक बात समझिए, ये कह रहा है कि 10 दिन में काम कर रहा है, लेकिन कितना काम कर रहा है ये नहीं मालूम। ये 15 दिन में काम कर रहा है और कितना काम कर रहा है ये नहीं मालूम है, और एक दिन में कितना काम कर रहा है ये भी नहीं मालूम है। ऐसी स्थिति में हम 10 और 15 का एलसीएम निकालते हैं, और 10 और 15 का एलसीएम जो निकल के आएगा वो कितना होगा, 30 हो जाता है।
एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 30 हो जाता है। तो ये 30 एलसीएम आ गया, 30 कैसे आया, 10 के पानी में कितने बार आएगा, 3 बार आएगा, और 15 के पानी में कितने बार आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब क्या है, टोटल वर्क 30 था और ए ने प्रतिदिन 3 काम किया और बी ने पर डे क्या किया, 2 काम किया। अगर दोनों मिल गए तो अब हम आपसे पूछें ये टोटल काम कितना हो गया, 5 काम हो गया, ये 5 काम हो गया, और ये 5 काम को ये कितने दिन में कर रहे हैं, तो आपने बताया 1 दिन में कर रहे हैं, 5 काम को 1 दिन में कर रहे हैं। अब पूछा गया बताइए 30 काम को लोग मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये इसका 6 गुना है, तो ये आंसर जो होगा वो भी क्या होगा, 6 गुना होगा, मतलब दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में करेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, तो बी ऑप्शन क्या है, सही है, तो बी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की तरफ बढ़ रहे हैं। आपसे फिर से कह रहे हैं आप इसको मेरे साथ ही सॉल्व कर रहे होंगे, और जैसे ही क्वेश्चन आ रहा होगा पहले आप सॉल्व कर रहे होंगे, और सॉल्व करने के बाद आंसर को चेक कर रहे होंगे। अगर आपका आंसर आता जा रहा है तो आप ध्यान रखें इसी प्रकार का प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता, आपका सिलेक्शन क्या होगा, श्योर होगा। लेकिन केवल एक वीडियो ऐसे ही देख रहे हैं, तो वीडियो ऐसे ही देखने का मतलब है कि वीडियो आप ऐसे ही देखते रहेंगे, इससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। इसलिए हम आपसे कहेंगे कि आप अगर ये गलती कर रहे हो तो इस गलती को सुधार लीजिए। गलतियां इंसान से ही होती हैं, अगर आप इंसान हैं और आपसे गलतियां हो रही हैं तो इंसान हैं, और इंसान हैं तो आप सुधार कर सकते हैं, और सुधार कर सकते हैं तो रिजल्ट भी आप दे सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की तरफ आते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन मेंस्ट्रुएशन से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेंस्ट्रुएशन की बात कर रहे हैं, एक आयत की परिमाप क्या होगी, पैरामीटर्स चाहिए, जिसकी एक भुजा क्या है, 10 सेंटीमीटर है और विकर्ण 26 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमने आयत का अगर चित्र की बात करें तो आयत की अगर हम चित्र की बात करें तो ये आयत हो गया, और इसका ये चीज़ क्या है, विकर्ण, और विकर्ण बराबर दे रखा 26 है, एक भुजा 10 है। अब ये भुजा 10 हो गई तो ये भुजा निकालनी है, तो देखिए हमने आपसे बोला है ये भुजा निकालनी है, तो ये क्या बनेगा, 90 डिग्री वाला कोण बन जाएगा, और आपको मालूम है ये समकोण त्रिभुज की बात हो जाएगी। समकोण त्रिभुज कैसे होगा, समकोण त्रिभुज की भुजा क्या होगी, इन दोनों भुजाओं के वर्गों के अंतर के बराबर और अंडर रूट के बराबर ये नंबर हो जाएगा। ये समकोण त्रिभुज में हमको मालूम है ये दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल विकर्ण के क्या होता है, बराबर होता है। अगर इसकी एल स्क्वायर की बात करें तो 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100 होगा, 26 का स्क्वायर क्या होगा, 676 होगा, और इसे घटा देंगे तो एल बराबर क्या होगा, एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 576 हो जाएगा, और ये किसके स्क्वायर के बराबर, 24 के स्क्वायर के बराबर है। ये स्क्वायर और स्क्वायर हटा दें तो एल बराबर क्या हो गया, 24 हो गया, तो ये हमारा 24 हो गया। और परिमाण बराबर क्या होता है, आयत की परिमाण बराबर क्या होता है, 2 टाइम्स एल प्लस क्या होता है, बी होता है। तो ऐसे स्थिति में एल प्लस बी इनको जोड़ दें तो इनको जैसे जोड़ेंगे 10 पे 24 जोड़ेंगे 34 होगा, 34 का 2 गुना होगा तो कितना होगा, 68 सेंटीमीटर होगा। 68 सेंटीमीटर की बात करें तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। लेकिन हम आपसे कहेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आपके पास आए तो ये इस प्रकार मैनुअल तरीके से काम मत करें। हम आपसे कहेंगे जब भी ये आयत के क्वेश्चन आए तो नोट करके ये तीसरा नोट लिख लीजिएगा। अभी तक जितनी भी क्लास हुई इस पर तीसरे नोट्स कर रहे हैं, इनमें हम आपको तरीके की बात कर रहे हैं। तो नोट नंबर 3 के रूप में कीजिए, ये तो कैलकुलेशन हो गया इस क्वेश्चन का। अब हम आपको बता रहे हैं इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता तो आप क्या करो, एक छोटा सा चार्ट समकोण वाले त्रिभुज के रूप में याद कर लो, और इससे आपके पैट के जितने एग्जाम हैं उनमें ये मेथड आपको बहुत काम आएगा, और ये क्वेश्चन हमेशा इसी मेथड से लग जाएंगे। पहला मेथड क्या है, आप कभी भी समकोण त्रिभुज में आए तो ध्यान रखना ये भुजाएं, ध्यान रखना 3, 4 और 5 के रूप में याद कीजिए। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 को जोड़ देंगे तो जोड़ आएगा 25, और 25 ये 5 के स्क्वायर के बराबर है। इसी प्रकार एक नंबर आएगा 5, एक आएगा 13, और ये क्या आएगा, एक आएगा 5 और एक आएगा 12 और एक होगा 13। ये 5, 12 और 13 याद कर लीजिए, 8, 15 और 17 याद कीजिए, आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मेट से क्वेश्चन ज़्यादातर मिल जाएंगे। अगर हम देखें कि अब एक क्वेश्चन को हम जो आपके क्वेश्चन दे रखा था उस क्वेश्चन को फिर से देखें, तो अगर हम नंबर्स की बात करें, ये आयत दे रखा था और ये आयत का एक विकर्ण दे रखा था, तो आप देखिए आपके दिए गए विकल्प के हिसाब से ये किसके हिसाब से फिट बैठ रहा है। ये विकर्ण 26 आया तो इसके के हिसाब से ये 13 के बराबर आ रहा है। अब यहां से मिला लीजिए कि आपको कैसे पता चलेगा, ये अगर 13 है तो ये 13 क्या है, अगर ये 26 लिख दें, ये इसका 2 गुना है तो 12 का 2 गुना 24 होगा, 5 का 2 गुना क्या 10 होगा। देखिए एक
भुजा भी मिल गई, तो इसका मतलब ये भुजा 10 हो गई, ये क्या होगा 24 हो गई, और विकर्ण बराबर क्या होगा 26 हो गया। अब परिमाप चाहिए, तो परिमाप का मतलब होता है इन लंबाई और चौड़ाई दोनों के योगफल का दुगना। 24 में 10 जोड़े 34, और 34 का दुगना करेंगे 34 का दुगना करेंगे तो परिमाप आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 68 सेंटीमीटर। आप इसके रूप में करेंगे तो क्वेश्चन आपसे 90% केसेस में हम कह रहे हैं कभी भी गलत नहीं होगा। बाई चांस 10% इसलिए कह रहे हैं गलत हो सकता है कि आप जो गलती कर रहे हो वो बाई मिस्टेक हो जाए, अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। अब हम आपसे कहना चाहेंगे ये वीडियो नंबर 2 था, अगर आप वीडियो ये 2 नंबर सेट की प्रैक्टिस कर रहे हो और पूरे क्वेश्चन को लगा रहे हो, तो हम कहेंगे पहला सेट नंबर का 1 आपने नहीं लगाया है, तो आप जाइए और सेट नंबर 1 को पहले लगाइए और फिर सेकेंड नंबर सेट को पूरा कंप्लीट कीजिए। इस प्रकार अगर श्रृंखला पूरी करते रहेंगे तो हम आपको आने वाले पैट एग्जामिनेशन में जो भी आपकी मैथ से संबंधित क्वेश्चन है उनकी इतनी प्रैक्टिस करा देंगे कि आप उस जगह उस समय जब पेपर हॉल में बैठे हों तो आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना लगे जो आपको आता नहीं है या विद इन समय आप सॉल्व ना कर पाए। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे और इसी के साथ कहेंगे कि आप प्रैक्टिस करिए और क्रिएट योर माइंड फॉर सक्सेस। ओके, जय हिंद, जय भारत।